लाइक आई सेड कि मेरे लिए अभी भी पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई एम अ वेरी पैशन ड्रिवन पर्सन. सो लाइक आई सेड कि मैम हैप्पी हैविंग दाल चावल खा के मैं जी लूँगी, लेकिन मैं अगर एक्टिंग करूँगी तो मुझे आई वॉन्ट मेरा पसंदीदा रोल. तो मुझे आप जब कुछ कैरेक्टर बोल रहे हो, आप अगर बोलो कि मेन लीड की मम्मी, मेन लीड की सास, हीरो की मम्मी, इट डजंट एक्साइट मी, इट डजंट, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, बिकॉज आई एम एन एक्टर, व्हाट इज माय रोल. टीवी पर एक ऐसी कहानी आने वाली है जो अब तक आपने नहीं देखी होगी, और इसे लाने वाली है मौली गांगुली, जो बहुत सारी वैरायटी आपको दिखा चुकी हैं, लेकिन ये वाला सबसे अलग है. सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. बट ये मैं नहीं ला रही हूँ, आ रहा है. एंड प्रोडक्शन हाउस मृणाल अभिज्ञान झा माच प्रोडक्शन हाउस है, वो लोग ला रहे हैं, मैं इसमें. बिल्कुल सेम बिहाइंड द सीन. तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी टीम होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ऑन स्क्रीन जब हम देखेंगे तो ये जो जननी एआई वाली बेटी क्रिएट कर रही है और सारी चीजें, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही है. हाँ, वहाँ पे तो जननी ही एआई रोबोट बना रही है, आर्टिफिशियल साइंटिस्ट है वो. हाँ, तो वहाँ पे तो जननी इज ओनली डूइंग ऑन स्क्रीन, बट पीछे इज अ ह्यूज टीम ऑफ कोर्स, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने ये इस सब्जेक्ट को ओके किया. बिकॉज ज़्यादातर टाइम हम बोलते हैं कि नया कुछ करना है, लेकिन नया कुछ सुनने को नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता है. तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्ले इन, बहुत सेफ जोन में, सेफ फार्मूला में हम चलते हैं. जी, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं टीवी के, ह्यूमन इमोशंस है, विच इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, सब कुछ है. लेकिन जो एक प्रिमाइस है, वन लाइनर जो है, वो बहुत अलग है. बिकॉज जब मैंने फर्स्ट सुना था, एंड जब मृणाल नरेटेड मी द स्टोरी इन अ कैफे शॉप फर्स्ट, तो आई एम लाइक, आर यू श्योर दिस इज अ डेली सोप और अ वेब शो? आई सेड, आर यू श्योर? शी सेइंग या. आई सेड, इट्स कमिंग ऑन इट्स अ डेली सोप. आई सेड या. आई एम लाइक, आई एम एक्सट्रीमली यू नो वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी दैट एक नया कुछ शुरू हो रहा है कहीं से. Somebody is opening the door from somewhere. एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि डेली सोर्स में क्या होता है ना, कि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं या लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मैं इस कैरेक्टर की माँ प्ले कर रही हूँ, मैं इसकी बहन प्ले कर रही हूँ, बट यू जस्ट मेंशन मैं एक साइंटिस्ट प्ले कर रही हूँ. या दैट इज वेरी डिफरेंट. एब्सोल्युटली. जैसे टीवी में क्या होता है, ज्यादातर मुझे कई बार आते हैं ऑफर, सो आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई वॉन्ट टू वर्क अगेन ऑन टी वी, और करना भी चाहती हूँ. बिकॉज लाइक आई सेड, आई एम अ वेरी नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल एक्टर, मे बी यू कैन से, आई डोंट नो. मुझे आई एम अ लिटिल, मुझे मेरा पैशन अभी तक थोड़ा जिंदा है, मैं उतनी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती हूँ. तो मुझे आप जब कुछ कैरेक्टर बोल रहे हो, आप अगर बोलो कि मेन लीड की मम्मी, मेन लीड की सास, हीरो की मम्मी, इट डजंट एक्साइट मी, इट डजंट, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, बिकॉज आई एम एन एक्टर, व्हाट इज माय रोल? दैट इज अ रिश्ता यू आर टेलिंग मी. यहाँ पे शी इज जननी. तो एक यहाँ पे तो छोड़ दीजिए, बिकॉज बाय मतलब इट इज अबाउट मदर डॉटर, बट अदरवाइज भी जो रोल्स आते हैं, यू शुड हैव अ रोल. जो टीवी में अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि नहीं लिखा जाता है, तो इस शो में देयर इज अनदर थिंग. आई एम वेरी हैप्पी, सारे कैरेक्टर्स जो है, Nobody is, you know, कि हाँ प्राप्तीज मतलब सॉरी तारा सिस्टर और तारास दिस, सारे जो बहने हैं, चाचू है, जो भी है, everybody's character is defined, और सबके अपना एक सुर है और जिस पे वर्क किया गया है. कोई किसी का चाचा या बहन जस्ट बैकग्राउंड के ना, यू टेबल, यू चेयर, यू पर्दा, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि जब भी शादी वादी का है तो पीछे आके खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है. सो आई लाइक दैट पार्ट, दैट एवरी एक्टर इज रिस्पेक्टेड एंड देयर रोल इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड स्क्रिप्ट पे. बट टीवी में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है. आई होप हम एंड तक ये मेंटेन कर पाए, बिकॉज बीइंग एन एक्टर मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई सी एवरीबॉडी इज गेटिंग. बिकॉज जब मेरे पास भी ऐसे आते हैं ऑफर्स, आई गेट, मुझे कभी सुनना ही नहीं है, यू वॉन्ट बिलीव इट. इस शो के लिए मेरे पास जब पहले फ़ोन आया था, बिना सुने मैंने मना कर दिया था. तो आई फेल्ट कि हाँ वही होगा, मतलब वॉट एल्स दे कैन ऑफर, मतलब वॉट एल्स ऑफर कैन आई गेट रादर, मतलब ऐसा ही कुछ बोलेंगे, यही है, किसी की मम्मी है, किसी की सास है, ये है, वो है. सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट और यू नो इन द मेन के जननी एंड ऑल दैट. तो हमने कहा नहीं करना है.
So then this topic was sun lo, and then Mrinal ma'am met me and she narrated me the story, and that's when I said, are you sure? I said, yeah. I said, okay, then of course I would love to. So that's how it happened. So this AI concept is very like trending these days. Yeah, yeah, AI is future. All graphic bhi AI, kuch machine se zyada AI, script likhni hai AI, correction karna AI, everything is AI. So it's so good, no, ki you are like doing something which is future of this generation. Absolutely. Aur isme na, pehle to Janani is just not a robot story. कई लोगों को लग रहा है कि हाँ ये शो जैसा है रोबोट स्टोरी, वो फिल्म जैसा है रोबोट स्टोरी. नो, इट्स जस्ट नॉट अ रोबोट स्टोरी. इट इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट जिन्हें कुछ पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उनके लिए भी ये शो है. क्योंकि इट्स अ एवोल्यूशन ऑफ एवरी स्टेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं जी. तो हमारे कहानी में हम बहुत ग्रेजुअली लेके जा रहे हैं ऑडियंस को हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं रोल कर रही हूँ साइंटिस्ट का, बट कहीं ना कहीं मैं भी ऑडियंस हूँ. तो मुझे भी धीरे 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 मेरे लिए हो रहा है, अच्छा ये यहाँ से हो रहा है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ हैंड विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन हाउ आई पुट टुगेदर एवरीथिंग. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ अ मदर. माँ तो माँ ही होती है, लेकिन बिकॉज उनके पास एक पावर है दैट शी इज़ अ साइंटिस्ट एंड शी कैन डू समथिंग जो आज के मेडिकल साइंस में बेटी को शायद ना बचा पाए. तो शी गोज़ टू एवरी एक्सटेंट, मतलब किसी भी हद तक जाके हाउ शी मैनेजेस टू डू दिस एंड उसके बाद क्या होता है एंड आगे ऑफ कोर्स बहुत कुछ होगा, अभी के मैं बता रही हूँ. सो इट्स अबाउट दैट. तो और इस शो में जो है ना कि आप इस शो में हर एज ग्रुप के लिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है. जो न्यू जेन ज़ी है, न्यू जनरेशन, जिनके जिनको ज़्यादा पता है AI ये सब के बारे में, उनके लिए तो है ही. सो मेरा यही सवाल नेक्स्ट आपसे था कि जो जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन, अभी की जनरेशन, ये बहुत इंटरेस्टेड होती है इस तरह की चीज़ें में. तो आई एम श्योर कि इसका जो टारगेट ग्रुप होगा, जो टीजी होगी आपके शो की, ये भले किसी को भी टारगेट कर, लेकिन बच्चे इसे ज़रूर देखेंगे बिकॉज इसमें समथिंग टेक्निकल है, साइंटिफिक है. सो उसके लिए आपने ये कितना ध्यान रखा कि मैं एज अ साइंटिस्ट जो मैं प्ले कर रही हूँ उसमें जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखने वाले हैं. एब्सोल्युटली. और इसमें मतलब ये है कि बच्चों के साथ बड़े भी मिलके देख सकते हैं एंड दे कैन हैव देयर ओन डिस्कशन, बिकॉज आज के जेन ज़ी तो उनको बहुत ज्ञानी लोग हैं ये सब के बारे में. बट दिस शो इज़ रिटन सो ब्यूटिफुली, जो ये डायरेक्ट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज. तो ही इज़ सेटिंग अप द शो. तो अभी तक कुछ भी एक्शन मेरा कुछ भी होता है, ही हेल्प्स मी टू डिसाइड एंड इज़ रिटन सो वेल ना स्क्रिप्ट लेवल पे. बाकी क्योंकि जैसे अभी तक हमारा ऑन एयर नहीं आया, सो वी हैव टाइम टू डिस्कस, काउंटर एक्ट, क्वेश्चन. तो ये करके हमारा जो भी डाउट्स है, और हम बहुत ऐड करते हैं सेट पे हमारे, जो आगे जाके शायद नहीं हो पाता है क्योंकि आप उतना इम्प्रोवाइज करने का आपका टाइम नहीं होता है, यू हैव टू गो कट टू कट. तो अभी तक हम वो सब बहुत लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं. तो ही इज़ हेल्पिंग अ लॉट इन दिस. हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव. AI के भी बहुत सारे चीज़ें हैं. ऑफ कोर्स. तो यही है इस स्टोरी में हम इसका भी एक मतलब ये है कि जो ईरा जो जननी है, क्योंकि कुदरत ने उसे माँ बनाया जो उनकी बेटी है, लेकिन साइंस ने ईरा को मौका दिया जननी बनने का, जिससे वो रोबोट बनाती है. रोबोट कॉल्स मी जननी, दैट्स व्हाई शी इज जननी. बट ईरा जब बना रही है कुछ, वो अपनी बेटी के लिए बना रही है. और अगर उस AI से बाकी भी किसी का फायदा हो जाए, किसी की जान बच जाए, कुछ भी पॉजिटिव हो जाए, शी इज़ मोर देन हैप्पी टू डू इट. क्योंकि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा. राइट नाउ हर फोकस इज अ डॉटर, उससे किसी का भला हो जाए, शील गो आउट ऑफ हर वे टू डू इट. बट ऐसे भी लोग हैं हमारे शो में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना पावर उससे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको अपना क्रेडिट चाहिए. ईरा डजंट वांट एनी क्रेडिट, शी जस्ट वांट्स टू गिव इट. तो ऑफकोर्स ये भी तो एक बहुत, कोई भी चीज़ जब पावर हम आते हैं, पावर है, वेपन है, यू नो, आप दुश्मन को मारने के लिए भी कर सकते हो, आप
टेररिस्ट भी बन सकते हैं. बिल्कुल. सो एआई आल्सो हैज दैट थिंग. सो यस, दैट इज आल्सो अ पार्ट हमारे स्टोरी का एक ट्रैक है. ओके मौली, एक बात बताइए कि टीवी में बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे शोज हैं. आपने मेंशन किया खुद की कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो नहीं पसंद है, वो नहीं करती है. यू टेक टाइम एंड डिसाइड. और इस शो के बारे में भी आपने बताया. ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपको पसंद नहीं आते, उस तरह के कैरेक्टर्स जो आपको ऑफर्स हुए हैं बहुत सारे और आपने मना कर दिया होगा? बहुत सारे लाइक बहुत कम चॉइसेस होते हैं मेरे लिए. हाँ. मुझे नहीं पता बाकियों के बारे में. आई कैन टॉक फॉर माई सेल्फ. आपके जब कोई फ़ोन करते हैं, बिकॉज सब नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन करते हैं कि हाँ मैम आपके डेट्स फ्री है, हमारा एक शो आ रहा है इस चैनल पे, हीरो की मम्मी. सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज आई लाइक आई टोल्ड यू आई एम रियली आई थैंक गॉड कि आई हैव द मतलब मेरे लिए पॉसिबल है उस शो को ना बोलना. बट ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को मैं जानती हूँ जो शायद ना बोलना चाहते हैं लेकिन ना नहीं बोल पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस. बट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. और मैं बहुत उस तरह से, क्योंकि कुछ दिन बाद ना आपका वो ढांचे में आप घुस ही जाते हो, तो मुझे लगता है कि अब सुन के ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि ये कैरेक्टर तो बस एक नॉट मेरे लिए नहीं है. तो मैं वो नहीं करना चाहूँगी. वो रिश्ता है. आप जब किसी कैरेक्टर पे काम नहीं किया, आपका उसका कुछ वर्कआउट ही नहीं किया, आप जब वर्कआउट करोगे तो आप किसी एक्टर को ऐसे नहीं बोलोगे कि तो आपके लिए आप वो बोल रहे हो. तो किसी के पीछे का बैकग्राउंड शैडो बनने के लिए तो नो एक्टर विल बी टू एक्साइटेड. यू हैव टू हैव अ रोल फॉर दैट. यू हैव टू हैव अ डिफाइंड कैरेक्टर फॉर दैट. जैसे वेब में मैं किसी से मिलने गई थी, तो दैट पर्सन वॉज आस्किंग मी, वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर, बट दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल. मतलब ही वॉज जस्ट आस्किंग मी आर यू ओपन टू डू ऑनसेंबल कास्ट. मतलब ऑफकोर्स आई एम ओपन टू डू ऑनसेंबल कास्ट, बट ऐसे आई डोंट वॉन्ट अ विजिबल कैरेक्टर. आई वॉन्ट एन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर. जो कैरेक्टर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो एज एन एक्टर आप वो कैरेक्टर करके आपको कोई मज़ा नहीं आएगा. तो लाइक आई सेड कि मेरे लिए अभी भी पैशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आई एम अ वेरी पैशन ड्रिवन पर्सन. सो लाइक आई सेड कि मैम हैप्पी हैविंग दाल चावल खा के मैं जी लूँगी, लेकिन मैं अगर एक्टिंग करूँगी तो मुझे आई वॉन्ट मेरा पसंदीदा रोल. ट्रू. आपका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है बंगाली फिल्म्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डायरेक्टर भी आपने कुछ किया है, डायरेक्शन में भी. डायरेक्शन स्टार्ट किया था. मेरा सपना है कुछ करूँगी शायद, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं. आगे जाके स्ट्रॉन्ग तो नहीं. सी एवरी फेज इज़ अ चैलेंज. आपको नेक्स्ट क्या होगा आपको पता नहीं. एवरी वन लाइक आई डोंट नो, लाइक दिस अ न्यू सब्जेक्ट. मुझे अच्छा लगा, हम कर रहे हैं, हम सबको अच्छा लग रहा है. हम सब बिलीव करते हैं इस प्रोजेक्ट में. आई होप लोगों तक पहुँचे. उसका आगे का क्या होगा वी डोंट नो, राइट? सो वी आर गिविंग इट 100%. तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं ऑनेस्टी के साथ 100% तभी कर पाऊँगी कुछ जब मैं उसको ज़्यादा बिलीव करूँगी मैं उस पर. तो दिस इज़ वन प्रोजेक्ट God has given. So let's see, we are giving it all. अब लोगों तक पहुँचे, अब उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, I don't know. हो सकता है this is my last project. नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? Why? Never know. One should not know what is happening. Well, thank you so much and all the best. Thank you.